वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। टुडेज टॉपिक इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एंड इससे प्रीवियस जो टॉपिक था दैट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब यहाँ पे मोस्टली देखा गया है कि 90% बच्चे स्कैटरिंग एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट की डेफिनेशन से कंफ्यूज हैं। वो अगर स्कैटरिंग ऑफ लाइट पूछा जाए तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट की डेफिनेशन बताते हैं। अब यहाँ समझते बहुत सिंपल सा है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट में क्या होता है, वाइट लाइट विल स्प्लिट इन टू देयर कंस्टिट्यूएंट 7 कलर्स व्हेन पासिंग थ्रू द प्रिज्म। और यहाँ स्कैटरिंग ऑफ लाइट में क्या है कि जब लाइट, वाइट लाइट जैसे सन से रेडिएशन आ रही है, लाइट आ रही है, वाइट लाइट ही वो किसी मीडियम से पास होती है, किसी मीडियम से पास होती है और मीडियम्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं डिफरेंट शेप्स एंड साइज के, तो जो मीडियम है उसमें मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं उस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करने में रेडिएट करते हैं, तो दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो अब यहाँ स्कैटरिंग ऑफ लाइट में है क्या कि जो मॉलिकुलर साइज पे डिपेंड करता है कि लाइट को कितना स्कैटर्ड करेंगे, ठीक है, रेड लाइट ज़्यादा स्कैटर्ड होगी या ब्लू लाइट ज़्यादा स्कैटर होगी। तो ये कंसेप्ट हमें समझना है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट है क्या। तो सिंपल पहले डेफिनेशन क्या है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की, व्हेन द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द मीडियम देन इट विल गेट एब्जॉर्ब बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम एंड देन रीरेडिएट इन ऑल डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। वेयर इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या है, व्हेन द लाइट पासिंग थ्रू द प्रिज्म या व्हेन द लाइट विल स्प्लिट इन टू देयर कंस्टेंट कलर। स्प्लिट होता है तो डिस्पर्जन है, बट स्कैटरिंग में एब्जॉर्ब होकर के रीरेडिएट होता है, और स्कैटरिंग अलग अलग लाइट की वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। और इसके लिए एक लॉ है वो आपको बता दूँ, देयर इज कॉल्ड रेलेग लॉ ऑफ स्कैटरिंग, एंड अकॉर्डिंग टू दिस रेलेग लॉ ऑफ स्कैटरिंग द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ की पावर 4। मीन्स कौन सी ज्यादा स्कैटर्ड होगी, यानी इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग वेवलेंथ पे डिपेंड करेगी। जिसकी लैम्डा वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग क्या होगी, इनवर्सली। अगर लैम्डा ज्यादा हो तो कम होगी, यानी लैम्डा किसका ज्यादा होता है, लैम्डा ऑफ रेड लाइट इज मोर देन द ब्लू। अगर ब्लू से कंपेयर करें तो रेड का लैम्डा ज्यादा होता है, दैट मीन्स जो रेड लाइट है वो कम स्कैटर्ड होगी, यानी उसकी इंटेंसिटी स्कैटरिंग कम होगी क्योंकि ये लैम्डा के इनवर्सली है, ठीक है, दैट मीन्स ब्लू लाइट ज्यादा स्कैटर्ड होगी। क्लियर। अब इसकी एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन जो है स्काई अपीयर्स ब्लू, है ना, ये बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई स्काई अपीयर ब्लू या ब्लू कलर प्री डोमिनेट इन द स्काई, जिसकी वजह से स्काई ब्लू नजर आता है। तो स्काई अपीयर्स ब्लू क्यों, क्योंकि जो सन से लाइट आ रही है वो हमारे तक पहुंचने से पहले बीच में जो एटमोसफेयर है, एटमोसफेयर में क्या गैसेस हैं, गैसेस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या करेंगे उस सन से आ रही लाइट को एब्जॉर्ब करके रेडिएट करेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड स्कैटर्ड। और ज्यादा स्कैटर्ड कौन सी होगी, ज्यादा स्कैटर्ड ब्लू होगी, क्योंकि लैम्डा जिसका कम होगा इंटेंसिटी स्कैटरिंग ज्यादा होगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ब्लू लाइट इज मोर स्कैटर्ड, द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट इज मोर इन द अर्थ एटमोसफेयर, दैट वाई द एटमोसफेयर ऑफ द अर्थ विल अपियर ब्लू, हेंस वी कैन से स्काई अपीयर्स ब्लू। क्लियर। नाउ उसका नेक्स्ट है सेकंड एप्लीकेशन, सन अपीयर रेड इज ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। सनराइज सनसेट के टाइम में सन रेड क्यों अपीयर होता है, व्हाई? तो इसका रीजन ये है कि ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट की बात करें, ये अर्थ है और एटमोस्फेयर है ये आपका, गैसेस है, तो यहां पे सन है, तो सन हमारे तक पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स ऑफ द एटमोसफेयर जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो उससे इंटरेक्ट करता है। वैसे सनसेट के टाइम में भी, जबकि यहाँ पे होगा तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे बस बहुत कम पार्ट ऑफ एटमोसफेयर ट्रेवल करेगा। तो ड्यूरिंग सनराइज सनसेट जो रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन से हमारे तक जो पहुंच रही है रीचेज द अर्थ ट्रेवल द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर, हेंस द मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट गेट स्कैटर्ड अवे, ज्यादातर ब्लू लाइट स्कैटर्ड अवे। तो जो रेड लाइट है विच इज लीस्ट स्कैटर्स एंटर्स अवर आई, हम यहाँ खड़े तो हमारे आई तक कौन सी कलर पहुंच रही है, रेड, क्योंकि वो लीस्ट स्कैटर्ड है। दैट वाई वो ऑब्जेक्ट जो, यानी जो सन है जहाँ से वो लाइट आ रही है वो हमें रेड नजर आएगा, क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट से जो कलर हमें यहाँ तक पहुंचेगा हमारे तक उसी कलर का वो ऑब्जेक्ट नजर आएगा। दैट वाई सन अपीयर्स रेड बिकॉज कि ज्यादातर ब्लू लाइट स्कैटर्ड इन द एटमोसफेयर, ओनली द रेड लाइट विच इज लीस्ट स्कैटर्ड एंटर्स अवर आई, यानी सन से हमारे तक पहुंची कौन सी, मोस्टली रेड पार्ट ही पहुंचा। दैट वाई द सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। तो यह है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एक है टिंडल इफेक्ट, जिसमें आप देखते हो कि उसमें लाइट को पास कराया जाता है मीडियम से और हम उसके नॉर्मल देखते हैं इंसिडेंट लाइट के, तो
तो हमें जो लाइट नॉर्मल मिलती है वो क्या होती है, वो स्कैटर लाइट होती है, वो हमें उसका पाथ नजर आता है, एंड दैट इज टिंडल इफेक्ट, इट इज ऑल्सो एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये है आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आप बाकी आप रेफरेंस बुक को देख करके रीड करके नोट्स बना सकते हैं, बाकी अगर आपने समझ लिया है तो इस चीज़ को जो समझा है उसी चीज़ को अपनी लैंग्वेज में एक्सप्रेस करना है आपको। ठीक है, थैंक यू।